नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। अब बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा पुलिस सोना लूट कांड के कारण कई अपराधियों पर दबिश बढ़ा दी है, कई अपराधियों को गिरफ्तार भी कर रही है। हम बता दें, लगातार छापेमारी अभियान जारी है। हालांकि सोना लूट कांड के अभी अपराधी गिरफ्त में नहीं आए हैं, सोना बरामद नहीं हुआ है, लेकिन दरभंगा से और दरभंगा के बाहर अपराध करने वाले या दरभंगा के अंदर अपराध करने वाले जो बाहरी अपराधी हैं, उस पर पुलिस ने लगातार दबिश बढ़ाकर गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया। इसी सिलसिले में दरभंगा सिटी SP अशोक कुमार प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पुलिस लगातार 3 दिनों से अंतर्राज्यीय बाइक गिरोह के सदस्यों के पीछे लगी थी और क्वेटी से गिरफ्तार किया गया, इसमें 4 बाइक बरामद की गई है। और सबसे अहम सवाल यह है कि ये जो अपराधी गैंग है मोहम्मद चांद नाम का, जो BSP मधुबनी का रहने वाला है, वो दरभंगा से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक के 17 से 22 वर्ष के युवकों को, नाबालिगों को इस कार्य में लगाता था कि मोटरसाइकिल छिपा दो तो तुम्हें 2,000 रुपये मिलेंगे, और अगर रात भर रखा जाता था मोटरसाइकिल देने के लिए तो उसे 2,000 से 4,000 तक दिया जाता था, और अगर एक जो अंतर्राज्यीय गिरोह के जो अपराधी थे वो अगर बाहर यानी कि नेपाल तक भेजते थे तो उसमें 10,000 रुपये तक एक बैग का दिया जाता था। तो इस तरह एक बड़ा खुलासा हुआ है, दरभंगा पुलिस ने किया है, और 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। चारों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है कि किस तरह वो बाइक दरभंगा से, यानी आपके अगर बाइक चोरी होते थे, बाइक लूटे जाते थे, तो इन्हीं गिरोह का सदस्य था, क्योंकि अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है और भी कई बड़े खुलासा हो सकते हैं। देखिए CT SP क्या वाली बात है, ये जो भी जो 5 पकड़े गए हैं इसमें कुछ बहुत कम एज के हैं, 19 साल 20 साल 18 साल के लड़के हैं। तो मोहम्मद चांद का जो वो करते क्या हैं कि जो गरीब तबके के लड़के रहते हैं उनको इस ओर बुलाया जाता है, उनको नशा कराया जाता है और उसके बाद उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि तुम इस बाइक को छुपा दोगे तो तुमको 500-1,000 रुपये देंगे, रात भर छुपाना है उसमें 500-1,000 रुपये तुमको मिलेगा। और फिर जब बॉर्डर पे ले जाते हैं उधर दूसरी तरफ तपाने के लिए तो 7,000-8,000 उसमें से इनको कमीशन दिया जाता है। तो इस पैसे के लालच दे दे के ये इस गिरोह को ऑर्गेनाइज करते हैं। सभी लोग एक ही जगह के, एक ही गांव के? हाँ, सब खैरा बांध के ही हैं। ये देखिए, संगठित मोटरसाइकिल चोरी गिरोह से संबंधित लोग पकड़े गए हैं और ये अंतर जिला अंतर राज्यीय गिरोह है, और ये विगत दिनों कई महीनों से दरभंगा सीतामढ़ी मधुबनी के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी करते थे, प्रमुख स्थानों से, भीड़भाड़ जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे, और इसको ले जाकर जो मधुबनी जिला अंतर्गत जो है खैरा बांध गांव है, जो BSP थाना उसी OP पड़ता है, वहां पे ले जाते थे, और वहां से फिर ये लोग परसौनी तीसी जो बॉर्डर पड़ता है नेपाल साइड में उधर ले जाते थे, और वहां से कुछ लोगों के संपर्क में थे, छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे और 8,000-10,000 में एक एक बाइक को ये लोग उधर भेज देते थे। तो जैसा इन लोगों पकड़े गए हैं, अभी 5 लोग पकड़े गए हैं, और ये KVT थाना और वैसी OP प्रभारी की एक संयुक्त टीम बनी थी, इन लोगों ने मिल के कल छापामारी किया है, और अभी तक 4 बाइक बरामद हुआ है और 1 बाइक अभी भी लावारिस हालत में है जिसे ला के रखा गया है, और 5 लोग पकड़े गए हैं। ये जो पकड़े गए हैं इनका सबका आपराधिक इतिहास, इनमें जो मुख्य सरगना है इनका रहा है, जो अशफाक उर्फ लाल बाबू है, ये दिल्ली में भी क्राइम किया है और फिर हम पंजाब में भी इसका आपराधिक इतिहास है, और चांद इसका जो सरगना है वो छापामारी के क्रम में भाग निकला और वो कई वर्षों से ये क्राइम करता रहा है मोटरसाइकिल चोरी का। तो ये जो अभी पकड़े गए हैं इन्होंने भी बताया है कि यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में श्यामा मंदिर लहरियासराय टावर के इर्द गिर्द में भी इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं की हैं। तो ये आपके सामने है, और जो मुख्य सरगना है उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितने दिनों से यह गिरोह काम कर रहा था सक्रिय होकर? मोहम्मद चांद जो इसका लीडर है वो तो कई वर्षों से इसमें संलिप्त रहा है, और ये जो अभी टीम आपके सामने जो 5 पकड़े गए हैं, ये इसमें इनको मोटरसाइकिल को खपाने का जिम्मा दिया जाता था कि मोटरसाइकिल को छुपा के रखो। इसमें एक जो हेड है अशफाक उर्फ लाल बाबू है, ये बाहर क्राइम किया और यहाँ विगत 1 महीने पहले आया था और इसने मोटरसाइकिल चोरी की है। अब तक कितने मोटरसाइकिल खपाने की लोग का उम्र क्या है? विगत 2 वर्षों में इनका कहना है कि चांद ने करीब तकरीबन 1,000 मोटरसाइकिल चोरी की है। किन किन क्षेत्रों से? और ये क्षेत्र रहा है सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा।
क्या ये मोटरसाइकिल चोरी के अलावा और भी कुछ क्राइम को अंजाम देते थे? इन्हें नारकोटिक्स के केस में भी जो एक यहाँ पे अभी पकड़े गए हैं, इनका उस नारकोटिक्स से भी संबंध रहा है और उसका से बता दें, दरभंगा पुलिस की लगातार दबिश की वजह से कई क्षेत्रों के अपराधी की गिरफ्तारी हो रही है। यह अलग बात है कि सोना लूटकांड में अभी तक पुलिस को कई सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि सोना लूटकांड के बहाने दरभंगा से अपराध का भी और अपराधियों का भी नाम निशान मिट सकता है, क्योंकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। देर रात तक कई घरों पर, कई ठिकानों पर पूछताछ के बाद छापेमारी कर रही है और बड़ी खबर यह है कि दरभंगा से कई अपराधी अब पलायन कर चुके हैं, दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, लेकिन सोना लूटकांड पर बाहर यानी कि एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम लगातार लगी हुई है और उम्मीद है कि एक दो दिन में इसका भी खुलासा हो सकता है। तो देखते रहे मिताभ, उस पर हर बड़ी खबर अपडेट में। धन्यवाद।